मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बारिश से राहत के कोई असर नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही भारी बारिश से यातायात के संचालन पर भी बुरा असर पड़ा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं आर्थिक राजधानी में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। शहर के कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सेंट्रल मध्य प्रदेश के ऊपर मानसूनी हवाओं की वजह से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से राज्य में 15 सितम्बर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस समय जैसा कि अपन देख रहे हैं, लगातार बारिश प्राप्त हो रही है। इसका जो प्रमुख कारण ये है कि जो लो प्रेशर एरिया है वो हमारे वेस्टर्न मध्य प्रदेश के ऊपर ही है और टर्फ लाइन भी हमारे वेस्टर्न मध्य प्रदेश पर ही बनी हुई है। उसकी वजह से हमें लगातार बारिश प्राप्त हो रही है। और यदि अभी की बात करते हैं तो अभी 2-4 दिनों तक बारिश बने रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि पहले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सिस्टम जो है वो अच्छी बारिश देकर ऊपर से निकल जाएगा, परंतु अभी यहीं परसिस्ट कर रहा है। उसकी वजह से हमें लगातार बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर स्कैटर्ड वे में मॉडरेट रेनफॉल रिसीव होगी और कुछ जगहों पर हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल भी रिसीव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो उसके लिए हमें सजग रहना चाहिए। जी हाँ, तो ऑरेंज और रेड अलर्ट में यही अंतर है कि जब हमें हैवी रेंस आती है तो उसको अपन कह देते हैं ऑरेंज अलर्ट, तो हैवी से वेरी हैवी रेंस कुछ आइसोलेटेड वे में कुछ प्लेसेस में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, कुछ प्लेसेस में भारी बारिश भी हो सकती है, ये संभावनाएं बनी हुई। मध्य प्रदेश और इंदौर के अभी क्या हाल है, कि किस तरीके से अभी आगे भी माहौल रहेगा और अभी भी क्या स्थिति है? हाँ देखिए, अभी की स्थिति के हिसाब से यदि अपन मध्य प्रदेश कहते हैं तो मध्य प्रदेश की जो औसत रेनफॉल है वो हमें मिल चुकी है, और इंदौर की यदि अपन बात करते हैं तो इंदौर में हमें औसत जो रेनफॉल होती है उससे 2-3 इंच ज़्यादा बारिश प्राप्त हो चुकी है। इस तरीके से देख रहे हैं, हमारा बारिश का आंकड़ा तो क्रॉस हो गया है। ये जो भी बारिश मिल रही है वो एक्सेस में मिल रही है, और आने वाले समय की जैसा मैंने बात की कि अभी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 38 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसमें से 18 जिलों में रेड अलर्ट है, तो वहीं 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने गुरुवार को प्रदेश के इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, शाहपुर, देवास, नीमच, मंदसौर, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, गुना और अशोकनगर समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है।